नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभ और आप देख रहे हैं टेक शुभ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आ गया है हमारे पास सैमसंग का नया लॉन्च वाला फ़ोन M10। तो चलिए दोस्तों, यह है मेरे पास पैकेट। चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो चलिए दोस्तों, ये है मेरा बिल जो है मैंने मंगवाया था अमेजोन से। तो चलिए दोस्तों, इसका जो डिलीवरी स्पीड है बहुत ही अच्छा है। कल मैंने इसको परचेस किया था और आज मेरा डिलीवर हो गया। तो चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। चलिए इसको रैप जो काट लेते हैं। उसके बाद जो है इसका पैकेजिंग क्वालिटी तो बहुत ही घटिया है। मतलब कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ फ़ोन और कुछ पैकेट दिया गया है बस। ये देखिए, फ़ोन कुछ इस तरीके का पैकेट में आया है। तो चलिए अब देख लीजिए, फ्रंट में इसका जो पूरा फ़ोन दिखाई दे रहा है, M10 लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं उसके आगे क्या होता है। तो सबसे पहले जो फ़ोन है हमारा, कुछ इस तरीके का मॉडल यहाँ पर और कुछ बार कोड लगा हुआ है। सैमसंग गैलेक्सी M10 चारकोल ब्लैक जो है एडिशन मैंने मंगवाया था। और यहाँ पर देखिए गैलेक्सी M10 क्या क्या कुछ दिया गया है, स्पेसिफिकेशन के बारे में क्या क्या है इसमें। HD+ डिस्प्ले, 3GB, 32GB ऐसा करके यहाँ पर पीछे वगैरह कुछ लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह वगैरह। तो चलिए, वो सब मुझे पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर कुछ दिया गया है और साइड व्यू भी ऐसा है। तो चलिए, जो रैपर है उसको हम हटा लेते हैं पहले। लाइट बहुत आ रहा है इसमें। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे हम रैपर जो है उसको हटा लेते हैं। उसके बाद देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम रैपर को पहले हटा लेते हैं। तो हम रैपर को हटाने के लिए चाकू का इस्तेमाल करना पड़ रहा है मुझे। तो चलिए, जो साइड में थोड़ा सा पॉलीथीन टाइप का है उसको हटा लेते हैं रैपर। चलिए रैपर को हटाते हैं दोस्तों। ये टाइट करके रखा है भाई। चलो देखिए दोस्तों, जो रिफ्लेक्शन है वो चला गया था। अभी इसमें कुछ पूरा दिखाई दे रहा है क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर सील दिया गया है तो इसको हम कट लेते हैं। ओके, हमारा कट हो गया है। उसके बाद हम बॉक्स को करते हैं ओपन। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। चलिए दोस्तों, इसका पैकेट जो है वो ओपन हो चुका है। अभी इसके बॉक्स में क्या क्या मिलता है देखते हैं। पहले कुछ यूज़र मैनुअल का इंफॉर्मेशन इसमें इस पैकेट के अंदर दिया गया है, तो हम इसको बाद में देख लेंगे। और ये जो है हमारा हैंडसेट, तो बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा लग रहा है। चलिए इसको हम रखते हैं साइड। और ये देखिए, ये है देखिए दोस्तों, ये है चार्जर एडेप्टर। तो देख लेते हैं क्या। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कुछ नॉर्मल टाइप सा आ रहा है और M20 में वो फास्ट चार्जिंग वाला ऑप्शन और टाइप सी वाला मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज और इनपुट जो भी है वो दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको रखते साइड। और ये नॉर्मल जो भी फ़ोन में मिलता है नॉर्मल टाइप सा पोर्ट, यहाँ पर भी सेम दिया गया है ऐसा करके, एक USB केबल। और बॉक्स के अंदर और है सिम इजेक्टर टूल। तो चलिए दोस्तों, अभी देख लेते हैं ये सिम इजेक्टर टूल। इसको रखते हैं साइड और फ़ोन को करते हैं बूट। तो जैसे हम पावर ऑन किए फ़ोन का, तो करने के साथ साथ ही देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या रहे देखते हैं। अच्छा, आ गया है सैमसंग का गैलेक्सी M10 का लोगो। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या आता है उसको। बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं हम पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर सैमसंग जैसा लिखा आता है वैसा आ गया। साइड लुक भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर सिम लगाने का जगह दिया गया है, डुअल कैमरा दिया गया है और LED फ्लैश के साथ। चलिए, इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा है। साइड में वॉल्यूम अप और पावर की दिया गया है, वॉल्यूम डाउन पावर की। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर पीस दिया गया है और नीचे दिया गया है देखिए चार्जिंग पॉइंट, ईयर पीस और हेडफोन 3.5mm का जैक। हटाते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। जो नॉच वाला डिस्प्ले है वो तो मुझे मस्त लगा दोस्तों। आप लोगों को अगर लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा फ़ोन है। देखिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन जो है इसका, और जो इसका स्क्रीन है बहुत ही लाजवाब है। चलिए इसको करते हैं ऑन और देखते हैं फ़ोन कैसा लगता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ आ गया है, इसको हम कर देते हैं। जैसे नया नया फ़ोन में आता है दोस्तों, अगर ये सब सर्विस टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह वगैरह पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, सैमसंग अकाउंट पर अभी साइन इन मुझे नहीं करना है तो स्किप कर देते हैं। स्किप कर दिया मैंने। चलिए ऑल डन आ गया है। अभी फ़ोन जो है वो हमारा नॉर्मल आ गया है। देखिए जो दोस्तों, इसका जो लुक है बहुत ही शानदार है, बहुत ही मतलब बहुत ही शानदार है।
चलिए देख लेते होगा और इसका स्पेसिफिकेशन क्या क्या है इसके अंदर, चलिए देख लेते हैं अभी अबाउट में जाके। अबाउट फ़ोन में आ गए हम, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन है ये दिखा रहे हैं, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, IMEI नंबर, और यहाँ पर जो बैटरी इन्फॉर्मेशन वगैरह, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का कितना वर्जन है सब कुछ दिया गया है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर एंड्रॉयड 8.1.0 पर ये काम कर रहा है, तो चलिए हम देख लेते हैं। और बैटरी परसेंटेज वगैरह वगैरह सब कुछ दिखा रहा है, और जो स्टेटस है वहाँ पर सब कुछ दिखा दे रहा है। देखिए चलिए बैक करते हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं मिलेगा शायद। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं और क्या क्या मिलता है यहाँ पर। बाकी IP एड्रेस, वाईफाई, मैक वगैरह वगैरह दिया हुआ है। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं तो उतना अच्छा रिव्यूअर नहीं हूँ और अनबॉक्स भी नहीं, ये जो मेरा अभी मुझे फ़ोन मिला है तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, तो इसीलिए मैं शेयर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए डिवाइस मेंटेनेंस में कुछ लिखा आ रहा है, और यहाँ पर जो स्टोरेज है वो 32 GB का है और रैम है 3 GB का, और यहाँ पर बाकी सारा कुछ दिया गया है। फेस यहाँ पर, और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पर फेस अनलॉक का ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट नहीं है इस वेरिएंट में, ठीक है। M10 में जो है फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो नहीं मिलता है, सिर्फ आपको फेस अनलॉक और पैटर्न वगैरह, पिन जो भी मिलता है वो दे दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 GB 32 GB वाला वेरिएंट जो है, यहाँ पर मेमोरी सोक हो रहा है, उसमें से आप यूज़ कर सकते हैं। और 4K का कुछ ओवरव्यू जो है उसका, कैमरे बाद जो कैमरा है वो देखिए इस तरह का कुछ है। जो स्क्रीन है दोस्तों बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा स्क्रीन को, मतलब आप हाथ में लेके देखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा फ़ोन को। तो देखिए कुछ इसका जो स्क्रीन को जो आपको देख पा रहे हैं अभी, कैमरा क्वालिटी भी सही है। ओके तो मैंने फ़ोटो क्लिक करके भी देखा, इसका सेल्फी लेके देखते हैं दोस्तों। देखिए सेल्फी जो है वो भी बहुत ही बढ़िया है। ओवरव्यू जो फ़ोन का, बाकी सब कुछ बहुत ही सही है दोस्तों, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो हम फ़ोन को रिकमेंड करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने शायद देख ही लिया होगा फ़ोन का सारा ओवरव्यू, और ये डिस्प्ले भी अभी ऐसा दिखा रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे फ़ोन तो लगा है दोस्तों। अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो ज़रूर खरीद सकते हैं ये वाला फ़ोन, इसका जो स्क्रीन है बहुत ही लाजवाब है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों फ़ोन का जो ओवरव्यू है कुछ इस तरीके का है, बहुत ही अच्छा लाजवाब, देखने का स्टाइलिश जो है, अगर आप पाना चाहते हैं स्टाइलिश फ़ोन बहुत ही। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।